सेव खाए दो। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। एक रुपया नहीं खर्चा किया ट्रेन में खाने में, एक रुपया नहीं खरीद तो तुमने खाए। हेलो गाइस, आज है 20 अगस्त और आज हम लोग सब बहुत खुश हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ। हाँ, हम लोग सब खुश है, बच्चे भी बहुत खुश है, क्योंकि आज आने वाली है मम्मी, आने मेरी मम्मी आने वाली है। हाँ, तो सब लोग, बच्चे लोग भी बहुत वेट कर रहे हैं। अभी तुम्हें कितने घंटे लगेंगे पहुँचने में? 4 घंटे लगभग, 3 घंटे ज्यादा। 3 घंटे तो 3 घंटे या मैक्सिमम 4 घंटे में वो घर आ जाएगी। तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को मम्मी से मिलवाऊंगी, बहुत मजा आएगा। हम लोग बहुत ज्यादा वेट कर रहे हैं उनके आने का। मैं उनका लाडला बेटा, उनके 4 बेटे हैं, तो 4 में से सबसे छोटे ये है, इसीलिए वो खुद को लाडला बोलते रहते हैं। और इनके भाई लोग भी इनसे बहुत जेलस खाते हैं कि मम्मी इनको बहुत प्यार करती है और ये इनके लाडला है। तो सब लोग मुझे भी कहते हैं कि तुम भी बहुत लाडली बहू हो। हाँ, ओके बाय, मैं जा रहा हूँ मम्मी मम्मी को लाने स्टेशन। मेरे को बहुत सुबह से काफी इंतजार था। चेहरे से लग रहा है खुशी नजर आ रहा है। अरे मैं खुश नहीं हूँ, मेरी मम्मी मेरे पास आ रही है, इससे बड़ी खुशी क्या चीज है। अरे वाह, जाइए जाइए, जल्दी से लेकर के आइए। बाय बाय बाय। मैं रिसीव करूंगा तो फोन करूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। मेरे हस्बैंड तो सुबह से इतने खुश है कि कब मम्मी आएगी। और ये देखिए, मैं आटा गूंथ रही थी और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। और बच्चे भी बहुत खुश है, आदि तो सबसे ज्यादा खुश है। और लाडो भी, दादी आने वाली है, दादी आने वाली है। तो अभी कितने बज रहे हैं? अभी 7:15 बज रहा है। तो आई थिंक 1-1.5 घंटे में मम्मी पहुंच जानी चाहिए घर में। और मैं प्लानिंग बना रही हूँ कि मम्मी के आने से पहले ही खाना बना लूँ, ताकि मम्मी जब आए तो उनके साथ बैठ करके खूब सारे गप्पे मारूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, मम्मी से आज मिलवाना है आप सभी को। बहुत तेज बारिश हो रही है, सुबह से लगातार बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और अभी 7:30 बज रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड तो निकल चुके हैं मम्मी को लाने के लिए। तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। मम्मी रहती घर पे तो बहुत मन लग जाता है, मुझे तो बहुत मजा आता है। और मेरे हस्बैंड तो छोटे बच्चे ही बन गए कि नहीं मेरी मम्मी आई, मम्मी आई। 2 बच्चे के पिता है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि सच में छोटे बच्चे हैं। और बहुत टाइम से अपने माँ से दूर थे। साउंड क्वालिटी थोड़ी खराब आ रही होगी, तो उसके लिए माफी चाहूंगी, क्योंकि बारिश अभी बहुत हो रही है इस वजह से। अभी मम्मी के लिए मैं पनीर बटर मसाला बना रही हूँ, तो अभी उसी का ग्रेवी रेडी कर रही हूँ। अरे हम तो बात कर ही रहे बेटा। कैमरा मेरा अभी बंद था, तो कैमरा ऑन करके कहती है कि बात करो मम्मी। तो अभी पनीर की सब्जी बन गई है, तो मैं अभी जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो मम्मी के आने तक मैं चाहती हूँ कि रोटी भी बन के रेडी हो जाए, मैं किचन भी साफ कर दूँ, बर्तन वगैरह धो दूँ, और बच्चों को भी खाना खिला के रखूँ, ताकि मम्मी जब आए तो मम्मी के साथ बहुत सारे बातें करें। भाई बातें नहीं, उनको खाना भी खिलाना है, उनके लिए स्पेशली मैं पनीर बटर मसाला बना रही हूँ। दादी आएगी। लाडो बार बार किचन से आटा ला रही, कभी कहीं चिपका रही, कभी कहीं चिपका रही है। और ये देखिए, रिमोट कैंटीना में आटा लगा दी है। बस दादी के आने के पहले ये पूरा घर गंदा कर दी, मुझे समझ में आ रहा है। अभी भी मेरा आटा ला, हाँ, तो बार बार आटा लेकर के भाग जाती है। और मम्मी आ भी गई है स्टेशन में, हस्बैंड मिल भी लिए मम्मी के साथ। और मेरा अभी तक खाना नहीं बना, मैं सोची थी कि मम्मी आएगी तो आराम से बैठ के बात करूंगी। तो अभी 15 मिनट लगेंगे स्टेशन से घर आने में, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट रोटी तो मैं बना लूँ। पहुंच चुकी है नीचे, तो अभी वो आने वाली है। तो जैसे ही नॉक होगा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। जैसे सास लोग रहती है ना नई नवेली दुल्हन का गृह प्रवेश कराने के लिए, ठीक वैसे ये बहू अपने सास का गृह प्रवेश तो नहीं करवाऊंगी, लेकिन हाँ उनका वेलकम के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ।
सफर में कहाँ कहाँ खा के आए बताओ? पुलाव खाए। ठीक है, आप तो लेकिन कल सुबह ना निकले घर से, तो पुलाव से ही आपका 2 दिन का सफर हो गया। 2 बजे निकले, हाँ। 2 बजे निकले तो खाना खा के निकले, हाँ। ट्रेन बैठे तो शाम को क्या खाए? चाय पिए। चाय खाना नहीं होता, खाना क्या खाए ये पूछ रहे हैं। अरे खाना पूरी भुजिया अचार खाए, पुलाव खाए। अच्छा तो पूरी भुजिया लाई नहीं थी, झूठ बोल रही, पूरी भुजिया खाई है। नहीं दीदी बोल रही थी पूरी भुजिया नहीं दे रहे हैं, आप पुलाव लेकर के आई हैं। पुलाव भी उसको लोग बारन किए थे, मगर पूरी भुजिया आलू की भुजिया एकदम चुर चुर बनवाए थे, सूखा सूखा। वो कल का हम नहीं पूछ रहे, आज क्या खाए ये बताइए। आज वही कल वाला ही, आज पुलाव भी खाए, पूरी रात को तो खाए नहीं। बात बताइए, कल सुबह का बना हुआ खाना आज कैसे खा लिया, आप ये बताइए। सुबह ही खाया, दोपहर में नहीं खाया, नाश्ते में नहीं। कल सुबह का बना हुआ था ना पूरी? नहीं दोपहर का। अच्छा कल दोपहर को, ठीक है। तो 2 बजे बना, आज सुबह खाया, पूरा दिन क्या खाया? दो। झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। 1 रुपया नहीं खर्चा किया ट्रेन में खाने में, 1 रुपया नहीं खरीद तो तुमने खाए। बोल बोल के हम थक गए थे, मम्मी कुछ खा लीजिए, कुछ खा लीजिएगा, बट 1 पैसे भी खर्च नहीं की मेरी मम्मी। बाहर का चीज हम नहीं, मम्मी है ना, कुछ भी बाहर का खरीद के नहीं खाई है। कल सुबह निकली थी घर से और रात 9 बजे यहाँ पहुँची है, यानी 2 दिन का उनका सफर था। बाहर का खरीद के, हाँ, तो घर से जो खाना लेके निकली थी वो कल खाई और आज कुछ भी नहीं खाई है। झूठ बोल रही है कि पूरी भुजिया सुबह खाई है। पानी बॉटल भी नहीं खरीद के पी। 3 बोतल खरीदे, एक बचा होगा। सब झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है, सब झूठ बोल रही है। नहीं रुको, एक बादाम क्या होता है? 10 रुपए वाला मिक्सचर खाए, घर से ही लाए थे सब खरीदे। अच्छा मिक्सचर बादाम यही सब खा के पेट भरी है, ये नाश्ता होता है। चावल दाल तो मम्मी आज खाई है खाने में, मिक्सचर और बादाम भुजा हुआ, सॉल्ट बादाम, हाँ। बस ये खाना खा के पूरा दिन पार लग गया। अब पानी का बोतल कितना खरीदी मम्मी बताइए तो? पानी का बोतल दो। झुट्टी झुट्टी ए जी, मम्मी कह रही पानी का बोतल खरीदी है रस्ते में। खरीदी नहीं है, नहीं घर से लेके आई है। और उस 3 बोतल पानी में मम्मी ने 2 दिन गुजारा, आप सोच सकते हो। 2 दिन कैसे रहे, सारा दिन हुआ ना, तो कल भी नहीं, लेकिन एक पूरा भरा हुआ बोतल घर लेकर के भी आई है। तो यानी 2 बोतल से उन्होंने 2 दिन गुजारा। मैं बताऊँ, जब मेरे साथ मम्मी भोपाल में थी ना, तो 1 लीटर मिनरल वाटर में खरीद के इनको दिए थे और पूरा दिन गुजर जाने के बाद भी मुझे वो बोतल इतना ही खाली नजर आया। झूठ बहुत बोलती, हम ये खाए हम वो खाए, क्योंकि बहुत बार झूठ पकड़ाया है। मैं जो खाए तो बता दिया, मूंग दाल का पैकेट है। अच्छा मूंग दाल का पैकेट है। मम्मी बहुत कुछ लाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी क्या क्या लेके आई है। रात के अभी बज रहे 12:30। हुआ ऐसा कि आगे मैं ब्लॉग बना नहीं पाई, आदि की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उसको उल्टी और लूज मोशन स्टार्ट हो गया है। तो हस्बैंड आदि को लेके गए थे हॉस्पिटल, तो बच्चे के डॉक्टर से उसको तो दिखा दिए। और ये देखिए मम्मी का पैर दबा रहे, बेटा हो तो ऐसा, काश मेरा बेटा भी ऐसे ही निकल जाए। तो अभी करते हैं ब्लॉग का एंड, तो मिलते हैं कल के नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।